तो ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है। अगर ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है तो फिर बाकी अस्त्र क्या है और वो कहां पर है, किस क्षमता में, किस आधार पर ब्रह्मोस सबसे बेहतर है। देखिए, बहुत सारे अलग अलग मिसाइल्स हैं, अलग अलग देश हैं, अपने अपनी जो क्षमता दिखाते रहते हैं मिसाइल को लेकर। हमारी मिसाइल यहाँ तक जाती है, हमारी मिसाइल उतनी तेज़ी से जाती है, हमारी मिसाइल इतना किलो वॉरहेड लेके जाती है। लेकिन अगर आप अधिकतर पैरामीटर्स देखें तो ब्रह्मोस इतनी ज़्यादा पॉपुलर अगर किसी देश को ख़रीदना है तो वो सबसे ज़्यादा अपनी कैटेगरी में, अगर कंटेम्प्रेरी में देखेंगे, कैटेगरी में तो बहुत कम ही, शायद ही कोई है सुपरसोनिक जो कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तक जाने वाली, वो शायद ही कोई है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि कंटेम्प्रेरीज ब्रह्मोस की कौन कौन से हैं। अब देख लीजिए, बगल में पाकिस्तान में बाबर मिसाइल है, वो सबसोनिक है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से नीचे ही है, 0.7, 0.8 या 0.9 के आसपास में है। अगर आप टोमोहॉक देखें जो कि अमेरिकी मिसाइल है, वो भी सबसोनिक है। सबसोनिक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से नीचे, और ब्रह्मोस का ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना, तो वो बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसा नहीं है कि सबसोनिक मतलब यहाँ 0.7, 0.8 हैं ध्वनि की रफ्तार से, और फिर ब्रह्मोस सोनिक यानी कि ध्वनि की रफ्तार के ही जितनी है, ऐसा भी नहीं है, या फिर 1 गुना है, 1.5 गुना है, ऐसा भी नहीं है, सीधा लगभग 3 गुना के पास, यानी कि बहुत फ़र्क है जो बाकी उसकी कंटेम्प्रेरी या मिसाइल्स हैं। बाकी जैसे बाबर का आपने देखा, अब मैं आपको जैसे चीन की तरफ देखिए, जो DF-10 और CH-10 भी, HN-1 भी जिसे कहा जाता है, ये भी सबसोनिक है। स्कैल्प अगर आप देखें तो वो भी सबसोनिक है, जो कि फ्रांस की है, टोमाहॉक है अमेरिका की। तो अगर आप लगभग सारे के सारे देखें, तो अगर हम तेज़ी से देखें, ध्वनि की रफ्तार के पैरामीटर पर देखें, तो बहुत दूर दूर तक ब्रह्मोस का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। अब दूसरे पैरामीटर आप देख लीजिए, दूसरे पैरामीटर है वॉरहेड वाले, यानी कि अगर कोई मिसाइल है तो उसका पर्पस तो यही है ना कि वो असला बारूद टारगेट पर जाकर हिट करें। पहुंच जाओगे वहां पे, पहुंच के क्या करोगे? अगर पूरा का पूरा मिसाइल पहुंच गया, किसी टैंक पे मारना है, किसी बिल्डिंग में मारना है, तो वहां पहुंच गए तो केवल मिसाइल के खोखा चले जाएगा तो नहीं ना हो जाएगा। उसमें आपको चाहिए कि किस तरह से ज़्यादा असला बारूद, उसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल जिसे कहते हैं, वॉर हेड जिसे कहते हैं, जो न्यूक्लियर भी हो सकता है, वो कितना लेके जाया जा सके, क्योंकि जितना ज़्यादा लेके जाएगा और उतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। ब्रह्मोस अगर 200 से 300 किलोग्राम है तो बाकी कोई 400 450 के आसपास ही है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 300 किलोग्राम का वॉरहेड अगर पहुंचा रहे हैं तो वो उतना नुकसान पहुंचा देगा, और थोड़ा सा ही कम होगा अगर 400 450 किलो दूसरे मिसाइल्स वॉरहेड उस टारगेट पर पहुंचा जाए। 300 किलोग्राम का अगर वॉरहेड पहुंच जाए तो काफ़ी डैमेज कर जाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो 2 मार दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 200, 250, 300 किलोग्राम का वॉरहेड काफ़ी नहीं है एक बिल्डिंग को या फिर एक एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो आप 2 मार दीजिए, तेज़ी तो आपके पास है ही। और इसीलिए जो मिसाइल सबसे ज़्यादा तेज़, दूर दूर तक उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। बाकी एक और पैरामीटर अगर आप देखें तो रेंज कि तेज़ तो हो, बहुत अच्छी बात है, वॉरहेड भी आप ठीक ठाक कैपेसिटी में लेके जा पा रहे हो। ऐसा नहीं क्योंकि 50-60 किलोग्राम का आप वॉरहेड लेके जा रहे हैं, आप भी 300 किलोग्राम का वॉरहेड लेके जा सकते हैं ब्रह्मोस के ज़रिए। तो फिर जाहिर सी बात है कि आप बाय एंड लार्ज जिसे कहते हैं कि मोटा मोटा आप हैं वहाँ पर, जितनी ज़रूरत है उतना काफ़ी है। एक शिप तो पक्का ही डुबा देगा, एक आध बिल्डिंग उल्डिंग तो पक्का ही उड़ा देगा, और बिना डिटेक्ट हुए, क्योंकि मिसाइल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तेज़ी, जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, यानी कि आप पकड़ में नहीं आएंगे एयर डिफेंस सिस्टम के। आप रडार में भी बहुत मुश्किल से ब्लिप, ऐसे कि डॉट सा दिखाई देगा, सक करके निकल जाएगा, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं ब्रह्मोस जैसी तेज़ मिसाइल को रोक पाएगा, तो फिर आपका काम तो हो ही जाएगा। और अगर एक से ना हो तो फिर 2 मार दीजिए, 4 मार दीजिए, लेकिन पकड़ में नहीं आओगे ये तय है। टोमहॉक हो या फिर CH-10, HN-1 हो या फिर पाकिस्तान की बाबुर मिसाइल हो, चाइना के मैंने बताया जो DF-10 है वो हो, स्कैल्प हो फ्रांस की, अमेरिका की टोमहॉक हो, ये सब डिटेक्ट किए जा सकते हैं और रोके जा सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए। तो आप भले ही कितना भी आपकी रेंज हो, आप कितना भी ज़्यादा वॉरहेड लेके जा रहे हैं, अगर वो रोकी जा सकती है मिसाइल, तो फिर किस काम की मिसाइल? तो फिर आप कितना श्योर रह सकते हैं? आपने दुश्मन पर वार भी किया और आपका वार बेकार भी हो गया, तो दुश्मन भी आप पर फिर वार कर देगा, क्योंकि आपके वार का तो कोई असर ही नहीं हुआ, उसने रोक लिया। और यहीं पर मिसाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में तो ब्रह्मोस का कोई दूर दूर तक कॉम्पिटिशन नहीं है। वॉरहेड में भी हम बाय एंड लार्ज वहाँ तक है, कोई 400 450 किलोग्राम लेके जा रहा है,
तो हम भी 300 ग्राम तो किलोग्राम तो लेके ही जा सकते हैं। एक और चीज़ है, वो है रेंज। जब हम मिसाइल की बात करें उसमें भी भारत काफ़ी हद तक बाकी मिसाइल के नज़दीक है, उससे ऊपर नहीं है ब्रह्मोस। क्योंकि ब्रह्मोस की जो आज की अगर हम विदेशों में देखें तो MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत 300 किलोमीटर की ज़्यादा की रेंज की आप ब्रह्मोस दूसरे देश को दे नहीं सकते। अब रही बात भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना की, तो हमारे पास तो ब्रह्मोस 400-450 के रेंज वाला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस ER जिसे कहते हैं, उसका अभी कुछ महीनों पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया और वो टेस्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ। अब उसमें कितना रेंज होगा आप देखिए, ब्रह्मोस की ओरिजिनल रेंज लगभग 290 से 300 किलोमीटर, जो ER है एक्सटेंडेड रेंज वो लगभग 500, और फिर उसके बाद में एक और वर्जन पे काम किया जा रहा है जो 700 है, और फिर इसके बाद एक और प्लान किया जा रहा है जो 1000 पार कर जाएगा ब्रह्मोस। तो फिर आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी, और ध्यान रखिएगा कि तेज़ी ध्वनि की रफ्तार से ज़्यादा ये अभी भी बरकरार है। क्या मतलब, अगर आप रेंज बढ़ा दें और अगर स्पीड आपकी कम हो जाए तो। लेकिन अगर आप मिसाइल और ब्रह्मोस के पॉइंट ऑफ व्यू बाकी मिसाइलों की तुलना अगर आप करें तो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है वो, इसलिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझिएगा। मिसाइल किस तेजी से जाती है, कितना, लेकिन अगर वो मिसाइल किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा रही है, फाइटर जेट से, शिप से, सबमरीन से, अगर आप ये सब देखें तो फिर आपकी वॉरशिप भी तो नज़दीक जा सकती है, तब आपका फाइटर जेट भी तो टेक ऑफ करके 2-500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है दुश्मन के रडार के आए बिना, और जहां दुश्मन का रडार शुरू हो वहां से आप मार दीजिए, तो फिर एकदम सिंपली आपकी रेंज बढ़ जाएगी। तो आप ज़रूरी नहीं है कि केवल पाकिस्तान और चीन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आपका Sukhoi-30, आपका आने वाला LCA तेजस, MiG-29K ब्रह्मोस NG के साथ में एयरक्राफ्ट की रेंज प्लस ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज, तो फिर ये तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। अगर एक एयरक्राफ्ट 500-700 किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगा, भले उसे रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ही रिफ्यूलिंग की, वो अगर मिल जाए तो फिर एयरक्राफ्ट की रेंज प्लस ब्रह्मोस की रेंज सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इसीलिए न केवल मिसाइल बल्कि मिसाइल किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, अगर सबमरीन पे आपको ब्रह्मोस रखनी है और सबमरीन से आपको लॉन्च करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पाकिस्तान पे वॉर करना है तो 300 किलोमीटर के रेंज में ही इंडिया में आप यहीं से ही लॉन्च कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप सबमरीन ले जाइए कराची के पास में और फिर वहां से मार दीजिए।